हाय फ्रेंड्स, मैं विराट, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे गूगल, यूट्यूब और अदर, इनके द्वारा भेजे गए ईमेल और जो फेक ईमेल हमारे पास आते हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे जानना चाहिए कि क्या वो भेजा गया ईमेल सही है या गलत है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आजकल नेटवर्किंग के साथ बहुत ही छेड़छाड़ हो रहा है। तरह तरह के हैकर्स अपनी कंपनियों से या अपनी मेल आईडियों से, अपनी किसी भी जो यूज़र आईडी है उसके द्वारा हमारे सिस्टम को हैक करते हैं, अपनी हमारी आईडियों को साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोफेशनल ईमेल और फेक ईमेल को कैसे पहचानना है। सबसे पहले हम प्रोफेशनल ईमेल की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल ईमेल जब हमारे पास आता है तो उसकी आईडी के साथ, जैसे कि मान लो मेरी आईडी, मैं अपने ईमेल आईडी लिखता हूँ djpattu60@gmail.com, ठीक है, ये मेरी आईडी का ईमेल हुआ। लेकिन जब कोई प्रोफेशनल ईमेल बड़ी कंपनी का ईमेल हमारे पास आता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम गूगल का ईमेल ले लिए, तो जैसे कि हमारे पास गूगल का मैसेज आएगा या ईमेल आएगा, तो उसकी मेल आईडी के जस्ट आगे जैसे कि xyz@google.com लिखा आएगा, ठीक है, यहाँ कोई भी gmail.com नहीं लिखा आएगा, उसके आईडी के आगे @google.com ही लिखा आएगा अगर गूगल के द्वारा हमारे पास ईमेल आया है तो। इसके बाद हम यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब के द्वारा भी हमारे पास ईमेल आता है, क्रिएटरों के पास बहुत सारे ईमेल जाते हैं, उनकी नोटिफिकेशन के बहुत सारे ईमेल उनके पास जाते हैं। तो यूट्यूब हमारे पास ईमेल भेजता है तो उसकी आईडी के जस्ट आगे @youtube.com लिखा आता है, वहाँ पर भी कोई gmail.com नहीं लिखा आता है, ठीक है। यूट्यूब द्वारा भी मेल किए जाते हैं जिसमें YouTube की जो आईडी रहती है, मान लीजिए xyz, उसका @youtube.com, ठीक है। क्रिएटर सपोर्ट के मान लीजिए creatorsupport@youtube.com, ठीक है। ये जो प्रोफेशनल ईमेल है, जो रजिस्टर्ड कंपनियाँ होती है, लीगल मेल होते हैं, इन तरीके के मेल हमारे पास आते हैं। बात करते हैं हम फेक मेल की, जो कि हैकर्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उनके पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो एक रजिस्टर्ड या लीगल मेल भेज सके, तो हमें भ्रमात्मक करने के लिए हमारे मैं उनके मेल के सब्जेक्ट में कुछ अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे कि हम उन्हें देखकर भ्रमित हो जाते हैं और हम ये मानने पर आतुर हो जाते हैं कि ये मेल हमारे पास सही वाला है, ठीक है। अब मैं बता दूं, फेक मेल को अगर आपको पहचानना है तो आप पहले सब्जेक्ट में ना जाकर उसकी ईमेल आईडी को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसकी मेल आईडी में उसका शुरू के जो भी अक्षर रहेंगे xyz और @ के बाद ठीक लिखा होगा gmail.com, ठीक है। अगर वो किसी भी कंपनी के सब्जेक्ट में मेल भेजता है तो उसकी अगर फेक आईडी है तो ठीक उसकी मेल आईडी के नेम के बाद आपको लिखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा @gmail.com, जो कि बिल्कुल फेक रहेगा। आजकल यूट्यूब पर जो मैं आपको बता दूँ, जानकारी के मुताबिक मुझे जहाँ तक पता लग रहा है कि जो मोनिटाइजेशन के लिए रिव्यू में चैनल जा रहे हैं, तो जो मोनिटाइजेशन पर जो यूट्यूब द्वारा एक्शन लिया जाता है, रिव्यू और एक्शन के बीच का जो समय रहता है 1 महीने का, उसके बीच में कुछ फेक ईमेल द्वारा, मतलब क्रिएटरों के पास फेक ईमेल जा रहे हैं और वहाँ पर उनसे मांग की जा रही है कि आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर हमें दीजिए, जिसके द्वारा हम आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे। और मेल आईडी में जो भी आईडी जा रही है वहाँ पर लास्ट में लिखा मिल रहा है उन्हें @gmail.com, जो कि एक बिल्कुल फेक आईडी है फ्रेंड्स। इस तरह मतलब जो क्रिएटर है उनका एडसेंस अकाउंट हैक किए जा रहा है या करने की कोशिश मतलब लगे हुए हैकर्स, तो आप किसी भी तरीके का, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो इस तरह की का मेल का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देना है आपको। और आपको पहचानना है अगर वहाँ पर YouTube के संबंधित कुछ भी लिखा रहा है, सबसे पहले आपको मेल आईडी पढ़ना है। वहाँ पर अगर @gmail.com लिखा रहा है तो बिल्कुल फेक आईडी है, ठीक है। अगर @youtube.com लिखा रहा है या google.com लिखा रहा है तो बिल्कुल ये सही मेल है। लेकिन एक बार और बता दूँ, एक बात आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई भी कंपनी, लीगल कंपनी भी मेल करती है तो किसी भी तरीके से आपका आईडी पासवर्ड आपसे नहीं मांगती है, ठीक है। अगर आपसे आईडी पासवर्ड कोई भी कंपनी द्वारा मांगा जाता है तो बिल्कुल फेक होता है, आपको अपना आईडी पासवर्ड किसी भी हाल में नहीं देना है, चाहे वो कॉल करके ले या ईमेल करके ले। और ईमेल की पहचान मैंने आपको बता ही दी है, आपको अपनी सुरक्षा के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो यही सब कुछ आपको आज बताने के लिए हमने वीडियो बनाई है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।